शांति। सभी बातों से मन बुद्धि को हटाते हुए अपने आप को देखें। इस शरीर में मस्तक के बीच स्थित मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। एक चेतन आत्मा हूं। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। मन बुद्धि संस्कार मेरी सूक्ष्म शक्तियां है। मेरा इन सूक्ष्म शक्तियों पर संपूर्ण कंट्रोल है। मैं आत्मा ही विचारों को क्रिएट करता हूं। मैं ही निर्णय लेता हूं। मेरे विचार और भावनाएं यह सब मेरी रचना है। आज तक जो कुछ भी हुआ किसी व्यक्ति के व्यवहार के कारण किसी परिस्थिति के कारण जो भी बुद्धि में जमा है जो भी दर्द जो भी तकलीफ व जो भी बातें मैंने मन में पकड़ कर रखी है उन सभी बातों से मैं आज स्वयं को मुक्त करता हूं। इन पुरानी बातों से जो भी रुकावटें थी उन सभी से मैं आज मुक्त होता हूं। जो भी हुआ सो ठीक हुआ। ड्रामा इज परफेक्ट एंड एक्यूरेट। ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रखकर मैं निश्चिंत बन जाता हूं। जो कुछ हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता क्योंकि कल बीत गया है।
मैं जानता हूं कि किसी भी बात का बाह्य रूप कैसा भी हो, लेकिन जो भी होता है उसमें कुछ ना कुछ भला जरूर छिपा होता है। ड्रामा कल्याणकारी है, सदा कल्याणकारी शिव परमात्मा मेरे साथ है तो मेरा अकल्याण हो ही नहीं सकता। जो हुआ वह अच्छा, जो हो रहा है वह उससे भी अच्छा, और जो होगा वह बहुत ही अच्छा। अब यह वर्तमान समय मेरे हाथ में है और भविष्य भी मेरे हाथ में है। पुरानी सोच से स्वयं को मुक्त कर मैं निश्चिंत हो जाता हूं। पुरानी बातों से सीख लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। सर्वशक्तिवान परमात्मा पर मेरा पूरा निश्चय है। सारा बोझ एक परमात्मा पिता को सौंप कर अब मैं निश्चिंत हूं। अब कोई भी व्यर्थ चिंतन व चिंता नहीं। सदा स्वचिंतन और प्रभु चिंतन में मग्न। मन में शुद्ध संकल्प, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अब कोई भी परिस्थिति मुझे हताश कर नहीं सकती। शांति मेरा स्वभाव है, शांति मेरा संस्कार है। शांति मेरी शक्ति है। स्वस्थिति में रहकर मैं किसी भी परिस्थिति पर विजय प्राप्त करता हूं। मैं विजयी आत्मा हूं।
स्वचिंतन में स्थित रहकर मैं सदा ही सुख के सागर में समाया रहता हूं। सुख के सागर शिव पिता की संतान, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। अब संकल्प में भी दुख की लहर नहीं। निश्चिंत स्थिति, ओम शांति।